कितने तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया बस भाग गए अपने आप को बाद में समझते आना आना बेटा। अबे मैंने तुझे हजार मरतबा मना किया कि चूहा न खेला कर न खेला कर मगर तेरे कान से जूं तक नहीं रही थी बदमाश कहीं का मारते मारते दूसरे की हड्डियां पसने सब बराबर कर दूंगा। शर्म नहीं आती चमार फांसी के छोकरों के साथ खेलते हुए खूब श्यामू भैया का नाम रोशन कर रहे हो। काका तुम्हारी कसम मैं खेल छोड़ रहा था। ये खेल नहीं रहा था तो क्या मेरा सर कर रहा था बदमाश। काका तुम्हारी कसम भगवान की कसम मैं खेल नहीं रहा था बल्कि मैं उन लड़कों को बता रहा था कि कैसे फैला चला है गुरु बन के। देख सीधा घर जाइए नहीं तो मारते मारते सवेरा कर दूंगा क्या कहीं का। अरे काका बाजार जा रहे हो तो गेहूं और ज्वार का भाव लेते आना ना। तो सही। अरे राम 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 क्या छोड़ रहा है। ओहो ये इतनी देर से सुन रहा है कि मैं समझता था मेरी जमुना रानी गा रहे। मेरी जमुना रानी मैं तुझे गले से लगा ली तेरी आवाज बिल्कुल मेरी जमुना रानी तेरा नाक तेरी आंख तेरे कान वाह 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 तेरे दांत बच्चा आज से तू मेरी पतिव्रता पत्नी और मैं तेरा पतिव्रता पता है क्या कहा बच्ची होगी बगैर कुंडली निकला ब्याह नहीं करूंगी। ये मेरे राम अब तुम्हारे लिए मैं कौन सा पंडित बुला के लाऊं तुम्हें यहाँ किसने बुलाया सब को देख के चैन नहीं पड़ा कलेजे में भूख सी उठने लगी मुझे झगड़ों से क्या मैं तो जमुना रानी और ठोका रानी दोनों की कुंडली निकलवाऊंगा और जिससे मिलेगी उससे ब्याह करूंगा। नहीं जमुना रानी क्या कर रही हो क्या कर रही हो तुमने तो हत्या दे दी सत्यानाश करके रख दिया। ओ हो जाने तो मर गई बेचारे मर गई इतनी जलन इतना बैर इतनी जलन इतना बैर बेचारे गरीब ढोका रानी से। चलो जमुना रानी सच सच कहना तुम्हें कसम है अपने कुआं तक कि पिछले जन्म में तुम ढोका रानी थी या नहीं। अच्छा बस जाओ नमस्ते सर। जियो बेटा जियो। आओ थोड़ी देर कर दी। क्या करूं बेटा रास्ते में काशी बहन मिल गई उनसे बातें करने लगी बहू आज पार्वती कहती है सब तुम्हारी दया से कुछ आप पार्टी करें। आओ बैठो बेटा मनुष्य क्या खा के दया करेगा दया सब भगवान की बहुत दवाई लाए लाता कहां आपका रास्ता देख रहा था। लो जल्दी से दवाई ले आ उतनी देर मैं उसके पास बैठती मोहे नंदी के थैला ने घेर लई हो मोहे नंदी के थैला ने घेर लई मोरी बीच डगर मालाज गई हो नंदी के। यहाँ क्या कर रहे हो क्या गांव भर में और कोई जगह नहीं मिली। जगह तो बहुत है लेकिन इस वक्त इससे बड़ी है जगह और कोई नहीं। बिजू तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल बैठ कर। मैं शर्म का कन्हैया जी यहाँ बैठे देख रहे हैं और राधा जी वहाँ आ रही है। ऐसा मत कहो मासी का नाम भी तो राधा है। खबरदार जो ऐसी बात की जानती हो बहुत बुरा आदमी हूँ। तो क्या करोगे बुरे आदमी अपने घर खुश हो यहाँ किसे चलाते हो। अच्छी बात इस दिन ऐसा मजा दिखाऊंगा कि। अच्छा आप जाओ मैं बाहर निकल रही हूँ। निकला करो बाहर मैं तो नहीं जाता। जोगुल तुम क्या करोगी। देखो बिरजू मैं किधर जाकर आता मासी से कह दूंगी। अरे हाँ हाँ एक दफा नहीं सौ दफा कहो मैं तो यहीं बैठूंगा। तो बैठी रहो अपनी आंखें छोड़ो मेरा क्या लोगे।
भगवान करे पाँव फिसले गगरी टूटे। ये मर्द का पाँव नहीं औरत का पाँव है। अरे आज मैं जो बात तुमसे कहने आई थी वो तो भूल ही गई। क्या बात है? मैं बिरजू की शिकायत करने आई थी। क्या जानते हो कल क्या हुआ? क्या हुआ? सच कहती हूँ तुम्हारा भाई ना होता तो ऐसी सुनाती के याद करता। क्या किया? देखो कल मैं खेत जा रही थी वो भी उधर कहीं से आ रहा था। ऐसे करता हुआ जैसे ही मेरे पास आया कहने लगा भाजी कहाँ चली जरा जमीन जमीन चला था। मैंने कहा देखो बिरजू होश में रहना। कहने लगा होश में क्या रहूं? क्या कुछ झूठ है? कैसे कसम से तुम भाजी नहीं हो? इस पर मैं कुछ नहीं बोली। तो तुम कह देती तुम भौजी नहीं हो? जी मैं तो आया कहती तेरी भौजी यहाँ कौन है? लेकिन मुँह से नहीं निकली। फिर मैं चलने लगी। मैंने कहा अच्छा रास्ता छोड़ो। कहने लगा मैं तो नहीं हटता और लगा गाना गाने। गाना गाने? कौन सा गाना? सुना 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 कौन सा गाना सुना तुझे मेरे को? अरे बाबा ध्यान से काम करो ध्यान से। ये सब खराब हो रहा है इसे यहाँ ठीक से लगाओ। अरे छोड़ बिरजू तू मेरे से कहाँ गायब था? वहाँ बाजार गया था बड़े जरूरी काम से। जरूरी काम खेल रहा था। हाँ बंसी काका को कोई काम भी नहीं। जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं सच कहता हूँ माँ कि मैंने जुए की सूरत भी देखी हुई। तुझे यकीन है माँ मैं जुआ खेलता हूँ? मैं सच्ची सच्ची बता दूँ कहाँ गया? कहना मत किसी से नहीं तो सब रंग में भंग हो जाएगा। कहेगा भी नहीं माँ पहले कसम खाओ। नहीं किसी से माँ बात ये है अपने यहाँ से 2 मील दूर नदी के किनारे साधु बाबा आए हैं। जटाधारी ये बड़े बाल ये बड़ी आँखें बड़े पहुँचे हुए माँ। और मैं तो उससे ये कहना भूल ही गया 15 दिन से देख रहा हूँ एक पाँव पर खड़े हैं और वो भी जमीन पर नहीं। फिर कितना देखा? इतनी इतनी बड़ी लोहे की कील। फिर मैंने कहा बाबा अभी कुछ दे डालो तो कहने लगे फिर कभी आना बच्चा। मैंने कहा बाबा जी कहने लगे था देख ऊपर। सब कहता हूँ 12 बजे दिन को इतने बड़े सितारे नजर आने लगे। अरे माँ फिर कहने लगे कि 2-4 दिन में भगवान दिखा दूंगा बच्चा। बस माँ मैं 2-4 दिन में भगवान जी के दर्शन करने वाला हूँ। अरे ओ मंगू दर्शन। अरे बिरजू मुझे भी वहाँ ले चल। मुझे कुछ मांगना है। देख माँ रामू भैया से नहीं कहना नहीं तो मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। माँ देख कितने सुंदर पहला है। माँ सारा गाँव इनकी तारीफ कर रहा है। झूठ माँ बिल्कुल झूठ। चुप बैठो चुप बैठ। सुंदर है बेटा बहुत सुंदर है ना माँ? ओ मेरी माँ सुंदर है ना माँ? देख तो माँ कितने सुंदर पहला है। हाँ रामू भैया से 82 रुपए तो मांग ले। मैं कैसे माँ पूरे 200 के लाए। थक गया माँ बिल्कुल थक गया। ये भैंस 150 से ज्यादा की नहीं हो सकती। देख माँ
बिट्टू खाम का मुझसे जबान लड़ा रहा है। जबान लड़ाना क्या बेटा? मैं यही बैठ डेढ़ सौ के लाके देखा है मुझे चोरी लगा रहा है। मैं चोरी लगा रहा हूँ। चोरी लगा तेरा मतलब क्या? तेरा मतलब क्या? तेरे लाड प्यार ने तो बिट्टू को और खराब। हाँ मुझसे ही तो प्यार करती है, तेरे से नहीं करती। ये तुमने मुझ पर बड़ी दया, मैंने संसार में सब कुछ पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात दिन मेहनत करके एक एक पैसा सबका अदा कर तेरी कृपा से घर जमीन खेत गाय पैर सब कुछ मेरे पास, अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस मेरे रामू और बिट्टू का कहीं अच्छी जगह ब्याह करा दे और उनके दर्शन करा दे। साथ आ जाती, बहुत दिनों से काशी गाय दिखाई नहीं देती। अरे बिचारी दुनिया के धंधों में फंसी होगी, बस रहने भी दो, उन्हें दुनिया के धंधे भी कौन से हैं सिवा एक के, जब आएगी अपनी ही लड़की की बात करती हुई आएगी। अरे आओ काशी भाई आओ, बड़ी उम्र होगी तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारी बात चल रही। कहो काशी बहन इतने दिन कहाँ रही? सोमवार की गई आज ही खाई देती हूँ। अरे बहन क्या करूँ, घर में कुंवारी लड़की बैठी, कहाँ रोज रोज मारी मारी फिरूँ, मेरे पाँव में तो बेड़ी पड़ी है बेड़ी। तो फिर आज किस पर छोड़ के आई हो? काशी बानी मेरे घर गई है, आज बातें कर रही है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, तुम जाओ। क्या तुम्हें जिंदा रही है? हाँ। आज इतने सवेरे ही सो रहा होगी क्या? वो जंगल तुमने अंदर से खिड़की क्यों बंद कर दी? रामू तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इस वक्त घर जाओ, मुझे नींद आ रही है। अच्छी बात, चला जाओ। हाँ मगर जरा मंत्र होते हुए जाना। कमला बहन क्या बताऊं, तीन बार कुंडली निकलवा चुकी हूँ, किसी तरह भी रामू और तुलसी का मेल नहीं निकलता, तो मैं तुमसे शिकायत थोड़ी भी करती हूँ, नहीं निकलती तो जाने दो, भगवान की मर्जी। कभी कभी तो जी में आता है लाओ राम के नाम पर कर। नहीं नहीं बहन ऐसा ना करना, देखो तुम्हारे सामने ही की बात है, नक्कू राम ने अपनी लड़की की शादी ऐसे ही की, फिर क्या गत हुई, पूरा एक बरस बिना बीता, न लड़की रही और न लड़का, आप रोते हैं। हाँ बहन मुझे भी शर्म आता है, अरे नसीब में होगा तो हजारों लड़के मिलेंगे। अरे रामू के साथ नहीं निकलती तो बिरजू के साथ निकलवा कर देखो। काशी बहन बूढ़ी हो चुकी मगर समझ ना आई, अरे पहले बड़े की नहीं करेगी तो क्या छोटे की कर देगी? हाँ ये तो ठीक है, मेरी अकल भी आजकल ठिकाने नहीं, दिन रात मुझे खुद अपनी जमुना की फिक्र रहती है। हाँ राधा बहन, गंगा बहन की लड़की भी जवान होने को आई है, उसके साथ निकलवा के देखो। अरे वाह वाह अच्छी रही, राधा बहन से मैं पहले कह चुकी हूँ, तुलसी के साथ ना निकलेगी तो मेरी जमुना के साथ निकाली जाएगी, सामने बैठी है पूछ लो ना, और मेरी जमुना में बुराई ही कौन सी है। हाँ भाई हाँ, मैं इनकार थोड़ी करती हूँ, कल ही पंडित बुलवा लो। हाँ कल ही बुलवा दूंगी, तो की रही। कहाँ गई थी तुलसी? इधर एक खेल कूद के दिन है, चार दिन में पराए घर जाएगी, वहाँ पर भी खेलना। तो माता जी मैं कहाँ गई थी, और ऊपर से जबान लड़ाती है, बस कह देती हूँ आज से तुझे घर के बाहर न देखूं। अरे क्या हुआ क्या होता क्या, मैं दिन भर घर के काम काज में मरी जाती हूँ और तुम्हारी लाडली बेटी को खेल कूद से छुट्टी ही नहीं मिली। अरे तो क्या हो गया, बच्चा ही तो है, अपने दिन भूल गयी है। अरे सुनो तो इधर सुनो जरा, अभी तुलसी की लगन का कुछ ठीक करोगे या नहीं? मैं उसमें क्या कर लूँ, घर के कोई बाजार में तो मिलते नहीं जो खरीद के ले, और रामू से कुंडली नहीं मिलती, नहीं तो अब तक की हो भी गई होती। कुंडली नहीं मिलती तो और कोई लड़की है ही नहीं संसार में। है क्यों नहीं, राधा बहन कहती थी कि रामू से कुंडली नहीं मिलती तो फिर उसे कर दो। अरे वाह वाह,
मुझे अपने तुलसी का गला तो घोटना है नहीं, जैसे शराबी और जुआरी के साथ कर दूँ, चाहे राधा बहन बुरा ही क्यों न माने। अरे बाबा, तुम्हारी लड़की है जो चाहती क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे यार, मैंने सुना है कि उसके पास बंदूक भी है। हाँ है तो, लेकिन बेकार, उसके दादा के वक्त की है, उसने जन्म में एक दफा भी नहीं चलाई। चलो चलो, इसका कोई डर नहीं। अच्छा चल। क्या मानते हो भाई? अरे भाई क्या है मेरे? अरे जाओ भाई जाओ, तुम्हारा क्या काम? अरे भाई, अरे भाई भाई यहाँ क्या भैया, यहाँ क्या? काका, इसकी तो मुझे सब जरूरत थी, इसके बगैर तो मेरा काम आगे नहीं चलता। लो भाई, इसे रख लो। काका, और सब कहाँ रखा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ना भाई, कहते कुछ नहीं है, आ जरा। काका बता दो कहाँ है? काका बता दो, बता दो। चूल्हे में, चूल्हे में, चूल्हे में खड़े हैं। अच्छा तो चलो, तुम ही खोद कर निकाल दो, काका जरा तकलीफ हो गया। ओहो, यहाँ रखा? जरा अपने खोदने का औजार ले आओ। काका, जो रुपया तुमने चूल्हे में दबा रखा है, ये रोज कहते थे हमें निकालो निकालो निकालो, हम बड़ी तकलीफ में। अरे काका, लक्ष्मी की तो पूजा होती है और तुम चूल्हे में गाड़ के रखते हो। भाई खोदो। काका, तो बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही है, जरा मदद करना, समझे? अरे भाई, आपका नाम तो बताओ। काका। अच्छा भाई, मत बताओ, ले जाओ, आपके भाभी का तो है। काका, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही, ला मैं निकालू। भाइयों, इतनी उम्र आई लेकिन तुम जानो, ऐसी वारदात अपने गांव में कभी नहीं। ऐसे लुटिया चोर बहुत आए, अगर ऐसा डाका लुटिया अपने गांव में कभी नहीं पड़ा। क्यों राधा बहन, है ना? हाँ लाला, सच कहते हो, मैं भी बूढ़ी होने को आई, मेरे सामने भी ऐसा कभी नहीं हुआ। और राधा बहन, हम सब गांव वालों को बहुत जल्द इसका उपाय करना चाहिए। भैया, हजार बिस्ते तो ये काम है किसी जाने बूझे आदमी का, है कोई अपने गाँव वाला
नहीं तो भला बाहर वाले को किसी के घर का हाल कैसे मालूम हो सकता। हाँ चाचा, ये बात तुम पक्की कह रहे हैं, कोई जाना बुझा। हाँ भैया, तो भाइयों मेरी समझ में एक उपाय आता है, अगर सबकी राय हो तो करो और नहीं तो कुछ और सोचो। पहले उपाय तो बताओ चाचा। नहीं चाचा, पहले मेरा उपाय सुनो। हम अपने अपने घरों के चारों तरफ तालाब खोदने चाहता। देखो देखो राजा, ये बलास्ती का मौका। शुक्रिया जीजू। हाँ नाना, तो फिर उपाय तो बताओ। हाँ उपाय ये है कि हम सब गांव वाले मिल के एक दरखास्त लिख के कलेक्टर साहब को करके दे कि वो गांव के चार छह भले आदमियों को जान के बचाव के लिए बंदूक रखने का लाइसेंस दे दे। कौन कौन आदमी चाहता? जैसे तुम और जैसे हम, ठाकुर बंसीधर, लाला राम किशोर, कुल महाराज, लाला ईश्वर दयाल, लाला मुकुंद लाल, अपने लाला फूलचंद। अरे भैया बंदूक तो थी मगर वो भी छीन ले गए। छीन ले गए तो काका आपकी तुम सोप रखो। हाँ चाचा, तो बस भले आदमी तो सब खत्म हो गए। नहीं भाई, अभी चाचा ने तो अपना नाम लिया ही नहीं। हाँ मैं भी सही। नहीं चाचा, तुम बंदूक बंदूक ना खरीदना, नहीं तो खर्च बढ़ जाएगा। और चाचा मेरी सुनो, चलाने के लिए एक नौकर भी आता है। मेरा जीवन भविष्य नया जा और खुजड़ी बहाने बता जा। मेरा जीवन भविष्य नया जा और खुजड़ी बहाने बता जा। अंगे मुरझाई कलिया किनारे, अंगे लादे किनारे किनारे, अंगे लादे किनारे किनारे। देखो रामू, फिर मैं भी बदला लूंगी। लगन के बाद ये बात है। अच्छा फिर मैं जाता हूँ। नहीं रामू, नहीं नहीं रामू। फिर कहो मेरा रामू। अच्छा मैं यहाँ खड़ा हूँ, नीचे उतर।